हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा ओआरओपी पर इंतजार, नहीं तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आखिर सरकार हमें देगी न्याय। और दूसरी बात कहते हैं कि नई टेबल का आगाज, कितना फायदा, नया एग्जिट पोल दोस्तों। और करूंगा फौजी पति की पत्नी द्वारा बेरहमी से हत्या, खबर करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा वंडरिंग वन पेंशन के संदर्भ में एक पेच फंसा हुआ है, जिसको बोलते हैं पीएमआर, प्रीमैच्योर रिटायरी, जिसके बेनिफिट के लिए लोग, बहुत सारे जवान राष्ट्रपति जी से गुहार लगा रहे हैं, कहीं कहीं हर अपने लेवल पे चिट्ठी लिख रहे हैं। कर्नल साहब ने एक मैसेज दिया है, बस हमें अभी सुप्रीम सरकार का इंतजार है कि सरकार इन बातों को मानती है, सरकार का एक बार डिसीजन आने दो, अमेंडमेंट जैसे इंप्लीमेंट होता है, यदि पीएमआर की अनदेखी होती तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। उन्होंने कहा है भेदभाव के ऊपर, उन्होंने कहा है कि अनदर लीगल गेम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज पेंशनरी बेनिफिट इज अवेटिंग, फर्स्ट यू डिनाई एंड व्हेन वेटरन्स अप्रोच कोर्ट द सेट आंसर विल बी द मैटर। उन्होंने कहा है कि पहले आप एक बार पीएमआर के उनको डिनाई करिए, बाकियों को दीजिए, फिर हम क्या करते हैं वो हमारा काम है, हम जरूर अपने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ अप्रोच करेंगे और इसको लेके रहेंगे। दोस्तों ये आज नहीं तो कभी नहीं वाला बात है, आज बहुत बड़ा खेल है इसके ऊपर कि आज ये हम आगे अप्रोच नहीं करते तो हमारी अनदेखी की जाएगी। दोस्तों दूसरी बात कहते हैं, अब मैं आपके साथ दो टेबल शेयर कर रहा हूं, मेरे पास कम से कम कल संडे था 100 से 150 लोगों ने भेजा सर ये क्या है क्या है और इसके अंदर कुछ कितनी दम है, यानी मैं इस टेबल के बारे में आपको बताऊंगा, फिर इसके बारे में सच्चाई बताऊंगा कि इतना इसमें कितना रिलायबल है। दोस्तों सबसे पहले ये आपको एक एक्सेल सीट के ऊपर मैं आपको साथ ये टेबल शेयर कर रहा हूं, आप ये देख सकते हो। और दूसरी फिर इसमें दिया है कि ऑल रैंक ऑफ आर्मी एयरफोर्स नेवी सबका दिया है, कैलकुलेशन एरियर दिया है और दिया है, इन्होंने पूरा एरियर दिया है लास्ट तक 30/6/2022 तक इन्होंने एरियर देने दिया है, कौन कौन से रैंक कवर किए उन्होंने, सिपाही ऑनरी नायक, नायक टीएस, ऑनरी हवलदार, हवलदार, ऑनरी नायब सुधार, नायब सुधार, नायब सुधार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन, इन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस दिया है। 7 CP में 1/1/2016 को आप जो फिक्स हुए हैं 2.57 फैक्टर से, उसमें एक्स और वाई जेड ग्रुप का दोनों का हवाला दिया है। फिर इन्होंने पेंशन डाटा जो गवर्नमेंट ने दिया है उसके साथ इन्होंने टैली किया है, दिमाग लगाया कितने परसेंटेज बढ़ी आपको ये बताने की कोशिश किया है। फिर आपका रिवीजन है 1/7/2019 से कितने परसेंट बढ़ रहा है, और नेट पेंशन आफ्टर ओआरओपी 2 रिवीजन के बाद आपकी नेट बेसिक पेंशन कितनी हो जाएगी, और टोटल एरियर उन्होंने 31/3/2023 तक का यानी 45 महीने का बता दिया। एक्स ग्रुप का अलग है, बाई का अलग है, सिपाही का 96,000 कुछ दिया है, ऑनरी नायक का 1,05,000, किसी का 95, इस तरह इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है। और ओआरओपी टेबल में जो डीए लगाने के बाद फिर उन्होंने बनाया है, आप इस टेबल को मैं पीडीएफ या जो शेयर कर रहा हूं पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि आखिर इसमें है क्या। बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि बेस ईयर 2018 है, बेस ईयर 2018 है, जो मैंने सारी पॉलिसी लेटर के साथ आपके साथ रिफ्लेक्ट कर चुका हूं। दूसरी एक टेबल इसने, इन्होंने एरियर टेबल 31/12/2022 तक का एरियर कैलकुलेट किया है, रैंक इन्होंने 2 सिपाही, 4 नायक, नायक 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 हवलदार, 1, 2, 3 हवलदार, 3 प्रकार के नायक सुधार, सुबेदार, सुबेदार मेजर, इन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस, और 2016 में आपकी बेसिक पेंशन कितनी थी, और 1/7/2019 को कितनी फिक्स हो रही है। फिर उन्होंने बोला पर मंथ हाइक का निकाला है, और 6-6 महीने एरियर जो डीए बढ़ा है उसका एक एरियर निकाला है, और इन्होंने काफी बड़ा एरियर बनाया, 1,59,000 सिपाही का, ये 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख, इन्होंने काफी एरियर निकाला है ये। अब मैं इन सारे टेबलों के ऊपर जाता हूं तो मेरे हिसाब से ये प्रिडिक्शन है, जैसे कि चुनावों के बाद बहुत सारे चैनल अपना अपना एग्जिट पोल बताते हैं, सब किसकी सरकार बननी है, किसको कितने वोट मिल रहे हैं, किसको क्या मिल रहा है, बस उसी तरीके से आप रोज रोज नई चीजें आती पढ़ो, आनंद लो, और सरकार किसकी बनेगी यानी किसको कितना फायदा होगा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसका आधार मैंने आप फॉर्मूला सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन लोग अपना अपना प्रेडिक्शन है, ये सब अपने आप में स्वतंत्र है, आप भी पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब कौन सरकार बनेगी, किसको कितने वोट मिलेंगे यानी किस रैंक को कितना बढ़ेगा, वो बात की बात है दोस्तों, ये अथोरिटेटिव नहीं है, इसके ऊपर पूरी तरह नहीं जाना है, बस आप समझिए, सोचिए और आगे बढ़िए।
दूसरी बात कहते हैं बड़े शर्मनाक बात के फौजी पद की पत्नी द्वारा बेरहमी से हत्या। दोस्तों कि फौजी एक ऐसा जवान है जो बिहार गुमला के झारखंड गुमला में रहने वाला है, 13 जनवरी का इंसिडेंट है, अगले 2 महीने बाद बंदा रिटायर आता है, उसकी लास्ट छुट्टी है, तो अपनी फैमिली से इस बात का प्लान करता है कि मैंने यहाँ नहीं रहना है, मैंने और कहीं रहना है, क्योंकि उसको ये सकता है कि मेरी पत्नी के साथ किसी बंदे का अफेयर है जिसका नाम है विनय लाकरा। उस अफेयर के चलते वो अपने बीवी बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन बीवी इतनी बहरेम थी कि उसका पैसा भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इस वजह से बंदा सो रहा था और पत्नी ने लोहे की रॉड से सोते हुए बंदे के ऊपर प्रहार किया और उस प्रहार से शायद वो चल बसा। ये मामला जब पुलिस के संज्ञान में गया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्हें पूरा राज खोल दिया। राज खोल के सिर्फ और सिर्फ आंसू रह जाते। हमें एक सिखलाई दे के जाती है, हमें एक सीख मिलती है कि आज के जमाने पे भरोसा करें तो आखिर करें किस पे। सारी जिंदगी एक फौजी ने अपना तन मन धन लगा करके इन बीवी बच्चों को सींचा, पैदा किया, घर मकान दुकान सब कुछ देने की कोशिश की, आखिर वो दिल नहीं जी सका। बात दिल की आती है, जब दिल में जगह नहीं थी तभी उस बेरहम पत्नी ने उसके ऊपर निर्मम हत्या की। दोस्तों आज वो दोनों, उसका बॉयफ्रेंड और पत्नी, जेल में। हम आशा करते हैं कि ऐसे को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि समाज में एक मैसेज जाए, कम से कम फौजी के साथ तो ऐसा मत करो, भगवान भी नहीं बख्शेगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय।